हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड एज यू कैन सी, आई एम विदाउट मेकअप टुडे। तो बेसिकली आई एम गोइंग टू डू अ मेकअप वीडियो, व्हिच इज़ लाइक वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो मैंने सोचा चलो लेट्स डू दिस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वीडियो एंड तक देखना, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड वीडियो लास्ट तक देखना टू गेट द फाइनल रिजल्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So to start with, I am going to use sugar illuminating moisturizer. So मैं अपने हाथों में ले लूँगी ये moisturizer, which is also illuminating. तो when I'm doing some makeup and all, then I use this moisturizer. तो इसे अच्छे से अपने skin में blend कर लूँगी मैं, और उसके बाद मैं लगाऊँगी primer, which is a very important step. अगर आप कोई भी makeup करते हैं तो you should not skip a primer. तो मैं लगा लूँगी primer यहाँ पर, which is again from sugar. एंड इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन, विच इज़ फ्रॉम कलबार। तो कलबार का ये फाउंडेशन यूज़ करूंगी मैं, विच हैज़ SPF 60 इन इट। तो यू नो, यू डोंट नीड अ सनस्क्रीन एंड ऑल, अलग से आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप ये फाउंडेशन यूज़ करते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फाउंडेशन इज इट, यू नो, आप अगर इसके 12 लेयर्स तक भी लगाते हो, इट डज़ नॉट मेक योर मेकअप लुक हैवी। बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है ये आपको। तो यूजिंग स्पॉन्ज मैं इसे अच्छे से यू नो ब्लेंड कर लूँगी अपने स्किन में, एंड उसके बाद मैं लगाऊंगी शुगर का कॉम्पैक्ट टू सेट माय फाउंडेशन। तो मैं यहाँ एक यू नो अच्छे से लाइक कॉम्पैक्ट को मिक्स कर लूँगी अपने फाउंडेशन के साथ, एंड देन अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ मैंने मिला लिया है, अपने पूरे फेस में लगा लिया है, और उसके बाद कमिंग टू द चीक्स, आई एम गोइंग टू टेक द हुडा ब्यूटी पैलेट एंड आई एम गोइंग टू सेलेक्ट अ रेड कलर फ्रॉम दैट, विच इज़ माय फेवरेट फॉर अ ब्लश। तो मैं एक ब्रश की हेल्प से ब्लश लगा लूँगी। तो आई एम टेकिंग इट वेरी लाइटली, नॉट मेकिंग इट वेरी हैवी, यू नो। जब आप इसका फाइनल लुक देखोगे, यू विल बी इम्प्रेस्ड। इट गिव्स अ वेरी नेचुरल फिनिश, एंड दिस कलर रेड इज सो 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 परफेक्ट एज अ ब्लश, यू नो, आई एम लविंग इट। तो मैं इसे लगा लूँगी यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से अपने स्किन में ब्लेंड कर लूँगी इसे। एंड अगेन फ्रॉम द सेम पैलेट आई एम गोइंग टू चूज अ शेड फॉर हाईलाइटर। तो लेट मी शो इट वेरी क्लोजली टू यू गाइज। या सो दैट्स द कलर विच आई एम गोइंग टू यूज़ एज हाईलाइटर। तो मैंने एक छोटे ब्रश में ले लिया है इसे, एंड अगेन हाईलाइट कर लूँगी अपने पॉइंट्स को। उसके बाद यू नो बहुत ही नेचुरली करूँगी, नॉट मेकिंग इट लुक वेरी हैवी। तो उसके बाद आई एम टेकिंग द नाइका पैलेट, मैं अपने आईज़ को यू नो दो शेड से मिक्स करके लगाने वाली हूँ यहाँ पे। तो फर्स्टली मैं बेस लगा लूँगी, विच विल गो पूरे आईज़ में, एंड उसके बाद आई विल टेक टू कलर्स, एंड यूजिंग दोज टू कलर्स हाफ एंड हाफ लगाऊंगी मैं। तो द फर्स्ट हाफ इज़ डिफरेंट एंड द सेकेंड हाफ विल बी डिफरेंट कलर, विच विल गिव अ वेरी नाइस लुक टू द यू नो आई। तो दैट इज़ वॉट आई डू नॉर्मली, मैं दो कलर्स यूज़ करती हूँ एंड हाफ हाफ लगाती हूँ। वन साइड हाफ कुछ और कलर होता है, एंड द अदर साइड हाफ यूज टू बी अदर कलर। तो मैं जनरली ऐसे ही अपना आई मेकअप करती हूँ ज़्यादातर। तो आई शो यू हाउ इट लुक्स, द फाइनल रिजल्ट ऑफ माई आई। यू नो द नाइका किट आई किट पैलेट हैज़ अ ब्रश, तो मैं वही ब्रश यूज़ करती हूँ, अलग से और कोई ब्रश नहीं लेती। एंड उसके बाद आई एम टेकिंग द मेबेलिन आई लाइनर, उसके बाद एक बहुत ही पतला सा स्ट्रोक लगाऊंगी मैं यहाँ। एंड दिस मुझे बहुत ही पसंद है मेबेलिन का ये जो लाइनर है, बहुत डार्क कलर है, तो आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर इयर्स एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आई हैवंट चेंज्ड इट और थॉट अबाउट चेंजिंग इट राइट नाउ। तो दिस इज़ माय फेवरेट प्रोडक्ट व्हेन इट कम्स टू आई लाइनर। माय किड्स आर मूविंग, लुक्स लाइक वो लोग उठने वाले हैं, दे बोथ स्लीपिंग नाउ। सो मूविंग ऑन, द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू यूज़ इज़ द लॉरियल ब्राउ किट, विच इज़ माय फेवरेट, यू नो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये ब्राउ किट। तो फर्स्टली मैं अपने आईब्रोज को कोम्ब आउट कर लूँगी, दोनों आईब्रोज को कॉम्ब आउट कर लूँगी। इसमें एक छोटा सा ब्रश दिया रहता है, विच इज़ सफिशेंट, आपको अलग से बाहर से कोई ब्रश नहीं चाहिए होती है। तो आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट।
तो उसके बाद वही ब्रश से, एंगुलर ब्रश से मैं एक शेप बना लूँगी एंड देन इसे सारे गैप्स को फिल कर लूँगी। एंड यू नो इस पैलेट में एक जेल भी आता है जिससे आप अपने आईब्रोज़ को सेट कर लेते हो, तो जैसे ही आप अपने आईब्रोज़ को अच्छे से यू नो मिलाने के बाद, अच्छे से गैप्स को फिल करने के बाद, यू कैन सेट इट विद दैट जेल। दी अदर लाइक ये इस किट में टू है, आई मीन टू साइड्स हैं जिसमें एक कलर आता है एंड दी अदर साइड इज़ द जेल। तो एक से आपको आईब्रोज के गैप को फिल करना है एंड दूसरे से आपको आईब्रोज को सेट कर लेना, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। अगर आप बिगनर हो एंड आईब्रो किट परचेज करना चाहते हो, गो फॉर द लॉरियल किट। आई टोटली रिकमेंड, आई एम लविंग इट एंड दिस इज़ माई करंट फेवरेट प्रोडक्ट, आई कैन टेल यू। सो दूसरे आईज को भी मैं, दूसरे आईब्रोज को भी मैं उसी तरह से कर लूँगी। आप देख सकते हो बहुत ही इजी है इसको अप्लाई करना, बहुत टफ नहीं है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है मेकअप, यू नो इट्स नॉट वेरी टफ एंड बहुत ही नेचुरल ब्राउन कलर है, तो इट गिव्स योर आई अ वेरी वेरी नेचुरल लुक। आपके आईब्रोज़ बहुत नेचुरल दिखते हैं इसे। आई टोल्ड यू अबाउट द जेल, सो आई टुक द जेल एंड मैं इसे सेट कर लूँगी यूजिंग द अदर साइड ऑफ द ब्रश। सो गाइस बहुत इजी है इसे अप्लाई करना, आप सब भी ज़रूर ट्राई करें आईब्रो किट लॉरियल का, आई टोटली रेकमेंड। उसके बाद आई एम गोइंग टू फिक्स माई मेकअप यूजिंग द ब्लू हेवन मेकअप फिक्सर। तो यू नो दूर से अपने आईज को बंद करते हुए, आँखों को प्रोटेक्ट करते हुए मैं ये लगा लूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू वेट अंटिल इट टर्न्स ड्राई। उसके बाद मैं अपनी आँखों में काजल लगा लूँगी विच इज़ अगेन फ्रॉम शुगर। तो आई लव यूजिंग काजल, मुझे बहुत ही पसंद है काजल अप्लाई करना, तो आई एम गोइंग टू यूज़ इट एंड मैं पूरे आँखों में लगा लूँगी काजल को। यू नो काजल के साथ मैं बहुत सारी डिफरेंट लुक भी ट्राई करती हूँ, लाइक समटाइम्स मैं अपने आधे आँखों में लगाती हूँ, समटाइम्स पूरे आँखों में लगाती हूँ, समटाइम्स लिटिल डार्क, समटाइम्स लिटिल लाइट। तो मुझे बहुत पसंद है काजल, आई लव यूजिंग काजल एंड उसके बाद मैं लगाऊँगी मस्करा विच इज़ अगेन फ्रॉम दिस यू नो मेबेलिन। यू कैन से कि मेबेलिन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स। मुझे मेबेलिन का लाइनर पसंद है, लिपस्टिक्स पसंद है, मुझे इनफैक्ट मस्कारास पसंद है, तो आई एम अप्लाइंग इट। और उसके बाद अगेन द मेबेलिन लिपस्टिक, तो दिस इज़ इन शेड रेड, तो मैं इसे लगा लूँगी। ऑब्वियसली वैलेंटाइन डे के लिए रेडी हो रहे हैं, तो रेड 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 दैट इज़ व्हाट कम्स इन माइंड जब आप वैलेंटाइन डे के लिए रेडी होते हो। वैसे इफ़ यू आर नॉट लाइक रेड कलर का लवर देन यू कैन ऑल्सो गो, आई मीन यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस लुक विथ एनी अदर कलर ऑफ लिपस्टिक दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू सूट यू, लाइक न्यूट शेड ट्राई कर सकते हो या कोई भी शेड जो आपको पसंद है। बट अगेन मैं ये मेकअप वैलेंटाइन डे के लिए करी थी, तो ऑब्वियसली हैड टू गो विथ रेड। वैसे भी पर्सनली मुझे रेड बहुत पसंद है, तो दैट्स वाई दिस हैड टू बी इन द यू नो मेकअप थिंग एंड माई फेवरेट इयररिंग्स एंड एक्चुअली इट्स न्यू, तो आई थॉट लेट मी वेयर इट एंड आई एम वेयरिंग इट फॉर द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दिस इयररिंग्स आर माई करंट फेवरेट, यू कैन सी। एंड देन अपने हेयर को मैं ओपन कर लूँगी। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ को देखा है देन यू नो दैट आई हैव रिसेंटली डन अ हेयर कट एंड आई हैव ऑल्सो गॉट माई हेयर हाईलाइटेड, सो इट्स वेरी शॉर्ट नाउ। सो या दिस इज़ माई फाइनल लुक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना हाउ इट लुक गाइज। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी टू डू, आई हैव यूज वेरी लेस प्रोडक्ट्स लाइक नॉट मच एंड आई एम रेडी। सो या मैंने सोचा कि ये लुक मैं आपको सनलाइट में भी दिखा दूँ ताकि आपको पता चले कि इट्स नॉट वेरी हैवी, यू कैन ऑल्सो गो आउट विद दिस लुक एंड वो कोई भी एंगल से हैवी नहीं दिखेगा। सो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स इन द सनलाइट।
Hope you like this look and do give this look a try. बेस है आप उसको अच्छे से अपने स्किन पे ब्लेंड करें तो यू नो बहुत ही नेचुरल एंड ग्लोइंग स्किन मिलती है आपको अंदर से एंड विद इन नो टाइम आप रेडी हो जाओगे. इट्स अ वेरी सिंपल लुक, यू नो डे टाइम में भी आप इसे ट्राई कर सकते हो, नाइट टाइम में भी आप इसे ट्राई कर सकते हो, आप बहुत ही अच्छे लगने वाले हो. सो इस मेकअप लुक को ज़रूर ट्राई करना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा आपको ये मेकअप वीडियो. एंड ऐसा और वीडियोज़ अगर आप फ्यूचर में कभी देखना चाहते हो डू लेट मी नो सो दैट मैं आप सबके लिए ऐसे वीडियोज़ के साथ आ सकूँ. So, इस वीडियो को लाइक कर देना इफ यू लाइक इट. देन आप सबसे मिलती हो दूसरे वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.